गाड़ी की चाबी क्यों उठा कर दी, इस छोटे से कारण को लेकर पहले विवाद बाद में मारपीट की अजीब सी घटना कपिल नगर थाने तहत सामने आई है। छोटे छोटे विवादों को लेकर लोग समझौता करने के बजाय हाथापाई पर उतर आते हैं। यह हाथापाई कभी कभार हद से बढ़कर हो तो जानलेवा होने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा ही एक मामला कपिल नगर पुलिस स्टेशन के हद में सामने आया है। नीचे गिरी गाड़ी की चाबी उठाकर देने वाले को ही मुंह की खानी पड़ी है। आरोपी दीप सिंह गिल की गाड़ी की चाबी नीचे गिर गई तो पास से ही गुजरते हुए एक युवा ने चाबी उठाकर दी। बस बात यही बिगड़ गई। चाबी उठाकर देने वाले का शुक्रिया अदा करने के बजाय आरोपी ने उसे विवाद किया, चाबी क्यों उठा कर दी, ऐसा सवाल कर मारपीट पर उतर आया। इतना ही नहीं, लगे हाथ कुछ लोहे की धारदार चीज निकालकर उसके सर वार कर दिया, जिसे युवक काफी जख्मी हो गया। जख्मी युवक का नाम विशाल राजपूत है। साथ ही विशाल के साथ ही इंद्रपाल राजपूत को भी लकड़ी से पीटा गया। बाइट फिरियादी ने इस वारदात के बाद कपिल नगर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की। फिलहाल आरोपी दीप सिंह पुलिस कस्टडी में है तो जख्मी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। आगे की जांच पुलिस कर रही है। फिरियादी यानी आरोपी दीप सिंह गाड़ी की चाबी उचलून दिली असता आरोपी दिलीप सिंह त्याच्या तीन साथीदारांनी गाडीची चाबी का उचलून दिली, ज्या कारणावरून बात करून आरोपी दीपसिंगने तलवारसारख्या घातक शस्त्राने फिर्यादीच्या डोक्यावर वार करून जीवानीची ठार मारण्याच्या हेतूने मारहाण करून गंभीर जखमी केले। तसे त्याच्यासोबतचे इतर आरोपीने फिर्यादीच्या सोबती या काठीने पाठीवर मारहाण करून जखमी केले। अशा फिर्यादीचे रिपोर्टवरून व मेडिकल सर्टिफिकेटवरून आरोपी दिलीप सिंग अधिक तीन यांच्या विरुद्ध कोपटेला अप्पा नंबर 85 अपील 219 कलम 307 324 534 अन्वय गुन्हा दाखल करण्यात आलेला असून सदर गुन्ह्यामध्ये आतापर्यंत 2 आरोपी अटक झालेली आहे, तपास सुरू आहे। कॅमेरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागडे के साथ नितीन शेगावकर की रिपोर्ट, INBCN न्यूज नागपूर।